नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं 400 करोड़ के बजट में बन रही ट्रिपल आर के बारे में और इसके डायरेक्शन कर रहे हैं राजामौली, यानी कि अपने आप में बहुत ही जबरदस्त बात है। बाहुबली के निर्देशक इन दिनों अपनी मच अवेटेड फिल्म ट्रिपल आर की शूटिंग में बिजी हैं। एसएस राजामौली की आने वाली फिल्म ट्रिपल आर के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और फिल्म के नाम से लेकर फीमेल लीड तक सभी ज्यादा अटेंशन पा रहे हैं। सभी लोग इस बिग बजट फिल्म के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं। आलिया फिल्म में रामचरण तेजा के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करते हुए नजर आएंगी और जबकि साथ में अजय देवगन भी कैमियो में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग फुल स्विंग में की जा रही है, लेकिन बीते दिनों पहले फिल्म के सेट पर रामचरण तेजा और फिर जूनियर एनटीआर के चोट लगने के चलते फिल्म की शूटिंग रुक गई थी। लेकिन इसी बीच आलिया को इस फिल्म में अपने किरदार पर काम करने के लिए एक्स्ट्रा समय मिल गया है। एक रिपोर्ट की अगर माने तो डायरेक्टर ने आलिया की स्टारडम का खास ख्याल रखते हुए उनके किरदार को और भी ज्यादा मजबूत किया है। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने यह बताया कि राजामौली इस वक्त आलिया के किरदार को और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी में है। वो चाहते हैं कि बॉलीवुड की लीडिंग स्टार को अपने फिल्म में अच्छा स्पेस दिया जाए, इससे उनके स्टारडम के साथ कोई भी अन्याय नहीं हो पाएगा और उनकी फिल्म की जो पहुंच है वो पूरे देश में है। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार रामचरण तेजा और जूनियर एनटीआर लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि बाहुबली की तरह अपनी इस फिल्म को देश भर में फैलाने के लिए निर्देशक ने बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस आलिया भट्ट को भी लीड रोल में कास्ट कर लिया है। आप सभी जानते हैं कि राजामौली अपने अनोखे प्रमोशन स्टाइल की वजह से जाने जाते हैं। जूनियर एनटीआर और रामचरण की प्रमुख भूमिकाओं के साथ ट्रिपल आर में रामचरण और आलिया की नई केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, जिसमें वो सीता के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म में अजय देवगन भी कैमियो के रोल में नजर आएंगे, जो कि काफी ज्यादा उनका जो एक अंदाज है, एक पावरफुल अंदाज है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। उनका किरदार काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिल्म तानाजी के बाद वो ट्रिपल आर की शूटिंग करेंगे। राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर से तेलुगु फिल्म में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने यह बताया कि उनकी तमन्ना पूरी हो गई है, क्योंकि वो हमेशा बाहुबली सीरीज के फिल्मकार के साथ काम करना चाहती थी। उन्होंने ये कहा कि ट्रिपल आर का हिस्सा होने के नाते अब इसकी अच्छे से तैयारी मैं कर रही हूँ, मैं काफी आभारी महसूस कर रही हूँ और मैंने दिल से राजामौली सर के साथ काम करना चाहा था और मेरी वो सपना जो था वो मेरा पूरा हो गया, इसलिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ और काफी ज्यादा खुश भी हूँ। तो देखते हैं कि आखिरकार ट्रिपल आर में आलिया भट्ट को जो काम करने का मौका मिला है वो उस रोल के साथ न्याय करती हैं या नहीं करती, और ये तब पता चलेगा जब ये फिल्म रिलीज होगी। आपको ये भी बता दें कि 400 करोड़ की लागत के साथ इस फिल्म को बनाया जा रहा है और ट्रिपल आर भी जो मूवी है ट्रिपल आर में बाहुबली की तरह एक भव्य और विस्तृत सेटअप पर आपको देखने को मिलेगी ये फिल्म। 2020 में ये फिल्म रिलीज होगी, 30 जुलाई डेट होगी, तो देखते हैं 30 जुलाई 2020 को वो इतिहास दोहराएगा या फिर नहीं जो बाहुबली के समय दोहराया गया था। अगर आप भी एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए तो प्लीज अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।